प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। गाइस प्रीव्यू में आपने वीडियो देख ही लिया। तो दोस्तों, इस तरह की स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है और इसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जिस भी टॉपिक पर आप बनाना चाहें बना सकते, कोई परेशानी की भी बात नहीं है। तो गाइस, जो भी मटेरियल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँ, अच्छी क्वालिटी में, PNG में, और जो PNG में होगा वो PNG में मिल जाएगा, जो JPEG में होगा JPEG में मिल जाएगा। तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको दो ठो एप्लीकेशन का यूज़ करना है। सबसे पहला एप्लीकेशन आपको पिक्सल ऐप यूज़ करना होगा। तो पिक्सल ऐप को ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, इमेज साइज में जाइएगा। यहाँ पे एक साइड में आपको 500 टाइप कर देना है, देन दूसरी साइड में यहाँ पे पूरा क्लियर करके और 2500 यहाँ पे टाइप कर देना है और ओके कर देना। कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा, टेक्स्ट हमें जरूरत नहीं है। ओके जी, यहाँ पे आपको ये PNG करना चाहे तो PNG भी कर सकते हो, ऐसे भी रहने दीजिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, इस पर टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो जिस भी टॉपिक पे बनाने वाले हैं आपका स्टेटस, तो उस टॉपिक का जो भी मटेरियल होगा उसे आप कुछ, मतलब जो PNG फोटो जो भी यहाँ पे यूज करना है तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कोई कपल इमेज आप यूज कर सकते हैं, या फिर मैं राधा कृष्ण का इमेज यूज कर रहा हूँ तो आप भी उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए, सबसे पहले तो आपको फोटो ले लेना है, जितना भी फोटो आपको चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फोटो आप देख सकते हैं, राधा कृष्ण का मैं यूज करने वाला हूं और यहां पे मेरे पास आप देख सकते हैं ढेर सारे फोटो हैं। तो यहां से फोटो सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहां पे आप क्या कीजिएगा, 4.5 रेशियो में इसे क्रॉप कर लीजिएगा, सॉरी 4.5 भी कर सकते हैं या फिर स्क्वायर साइज में भी क्रॉप कर सकते हैं। तो आपको जो भी सही लगे उसके अकॉर्डिंग क्रॉप कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर साइज में मैं रख रहा हूँ, या फिर 3.4 भी सही रहेगा। तो चलिए 3.4 रख लेते हैं, सभी फोटो को इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। अब इसका साइज आपको क्या करना है, छोटा कर देना है इस तरह से, और ये तो गायब ही हो गया। तो इसे क्या करते हैं, ये वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं और यहाँ पे तो ये गायब हो गया। क्या करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद गाइस जिसे हम सेंटर में ले आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर में आ गया। एंड फिर से थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ से थोड़ा और छोटा करते हैं और फिर इसे रोटेट कर लेंगे ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं रोटेट कर देंगे। ठीक है, रोटेट करने के बाद गाइस इस साइड में लेकर आइएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे रख लीजिएगा यहाँ पे बराबर से, और फिर एक कॉर्नर को खींचकर इस तरह से कर दीजिएगा। तो ऐसे ही पूरा जितना भी फोटो होगा सबको एक लाइन से कर लेना। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि वीडियो में अच्छे से आपको बता सकूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा फोटो ऐड कर लिया और सबका ड्यूरेशन मैंने 3.4 ही रखा है, मतलब साइज जो था। इसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज करेंगे, देन यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे अल्ट्रा को सिलेक्ट करेंगे। तो अल्ट्रा ही सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो फोटो सेव नहीं होते रहता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है पता नहीं। तो सेव टू गैलरी कर लेते हैं, यहाँ से हमारा फोटो ऐड हो गया। अब ये प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन है तो थोड़ा बहुत ऐड आता है, तो एड्स को हम इग्नोर करेंगे। इसके बाद एलाइट मोशन एप्लीकेशन को गाइज ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि एलाइट मोशन से हम एडिटिंग करने वाले। गाइज इसका XML प्रीसेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट मटेरियल आपको टेलीग्राम से डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि XML मटेरियल अगर डाउनलोड नहीं करते हैं तो मटेरियल वहाँ पे आपको आता नहीं है। तो अब गाइस क्या करेंगे, प्लस का आइकन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कीजिए, रेजोल्यूशन 1080 रखिए और फ्रेम रेट 60 या 30 रख सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिए, या बैकग्राउंड कोई भी रहेगा कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट कर लिया। प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, मीडियम देंगे। तो मैं कल ही इसे अनइंस्टॉल किया था और फिर अभी इंस्टॉल किया, तो इसलिए मुझसे अलाउ मांग रहा है। तो चलिए मैंने अलाउ यहाँ पे कर दिया। अब गाइस यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए हमें, तो ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड एरिया मेरे पास कुछ और है नहीं। अब गाइस यहाँ से ऊपर से हमें क्रॉप करना होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड में तो हमें चेंज करना होगा, या फिर इसे हम क्या करते हैं फुल कर देते हैं, जूम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते, तो मैंने जूम स्क्रीन कर दिया इसका। अब यहाँ से बैक आएंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडियम देंगे। देन मीडियम देने के बाद ये वाला PNG मैंने आपको प्रोवाइड किया, सॉरी ये वाला नहीं दूसरा वाला है। तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, मीडियम देंगे और ये वाला PNG आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद मूव ट्रांसफॉर्म की मदद से इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और गाइस यहाँ पे ऊपर की तरफ, ऊपर के साइड यहाँ पे देख लीजिएगा कि बराबर में रहे, तो यहाँ पे बराबर में है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका जो ये वाला साइज है, ये वाला इसे हम कम करते हैं थोड़ा सा, ताकि ऊपर हमें स्पेस चाहिए और यहाँ पे नीचे एक मॉडल को भी हमें एडजस्ट करना है। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ। और प्लस का आइकन पे क्लिक करेंगे, मीडियम देंगे। देन मीडियम देने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ PNG, एक PNG इमेज मैंने प्रोवाइड किया है, बट आप दूसरा कोई ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। किस तरह के करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस राधा कृष्ण जो बैठा हुआ टाइप का जो इमेज होगा, उस टाइप का कोई इमेज यहाँ पे आप रख लीजिएगा। जैसे मैं एक इमेज यहाँ पे रखा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाले इमेज को मैंने सेट किया, यहाँ पे मूवी ट्रांसफॉर्म की मदद से इसे जूम आउट कर लेंगे यहाँ पे।
और गाइज यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे के साइड में इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे। पैर थोड़ा सा कट रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं और यहाँ पे सेट करते हैं इस तरह से, ठीक है, परफेक्ट। अब गाइज जो फोटो हम सेव करके लाए हैं उस फोटो को लेना है तो प्लस के किन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, देन मीडियम जाने के बाद इस साइड में आ जाइएगा और ऑल फोटो पर क्लिक करते हैं तो जो फोटो हम सेव करके लाए हैं यहाँ पे दिख जाएगा, तो ये वाली फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा। मूवी ट्रांसफॉर्म की मदद से इसे जूम कर लेंगे और रोटेट वाले ऑप्शन की मदद से इसे रोटेट कर लेंगे, 90 डिग्री पर रख लीजिएगा। फिर यहाँ से गाइज इस साइड में आपको आ जाना है, आने के बाद इसे आपको थोड़ा सा और मूव कर जूम करना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे ये थोड़ा जूम होने में टाइम ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, हैंग कर रहा है या पता नहीं क्यों, तो यहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं इस तरह से, फिंगर की मदद से जूम कर लेंगे और ए साइड में कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, इतना पे रख लेंगे। और गाइज अब क्या करना है, यहाँ से बैकन है, बैकन है इसे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ से, ये वाले ऊपर वाले फ़ोटो को और सबसे बीच में लेकर आ जाइएगा, ठीक है। इतना पे जैसे मैंने रख लिया वैसे ही आप भी रख लीजिएगा। रखने के बाद गाइज आप देख लीजिएगा इसे आपको कितना जूम करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में आ जाइए, मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ पे एक की लगा दीजिए, की लगाने के बाद इस साइड में आइएगा और यहाँ पे भी एक की लगाइएगा और इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, ऐसे देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपको भी स्क्रॉल करना है और जितना भी फोटो है सब लास्ट तक लेकर आपको आ जाना है यहाँ तक। तो अब यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे काफ़ी फास्ट चल रहा है क्योंकि हमारा ड्यूरेशन 2 सेकंड तक का है, तो यहाँ पे हम एक सॉन्ग ऐड करेंगे, तो उसके लिए स्टार्टिंग में आ जाइए, प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ऑडियो में जाइएगा और जो भी सॉन्ग पर स्टेटस बनाना चाहते हो सॉन्ग को ले लीजिएगा, सॉन्ग के लास्ट में जाइएगा और जितना टाइम का स्टेटस बनाना चाहते हो उतना रखिएगा, जो एक्स्ट्रा होगा कट कर दीजिएगा। अब यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा और लास्ट तक खींच लीजिएगा, लास्ट तक खींचने के बाद स्टार्टिंग आएंगे और क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये वाला जो फोटो है इस पर जो हम इफेक्ट लगाए थे की वाला, ये की यहीं पर आ गया, तो इसे हम हटाते हैं। अब इसके लास्ट में जाकर की लगाएंगे और मूव करके इस साइड में पूरी तरह से लास्ट तक कर देंगे, तो जैसे आप देख सकते हो मैंने लास्ट तक कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे जब इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये वाला जो पिक्चर है गाइस पीएनजी वाला जो बैकग्राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और परफेक्ट लग रहा है। अब गाइस एक और चीज़ इस पर कर देंगे तो थोड़ा सा 3D टाइप का लगेगा, उसके बॉर्डर शैडो में जाएगा, शैडो पर जाकर इसका शैडो ऑन कर दीजिएगा, कलर शैडो का व्हाइट रख लीजिएगा या दूसरा भी कोई कलर रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका साइज बढ़ाकर कितना पे सही लगेगा, तो इतना पे सही लग रहा है रहने देते हैं, या ब्लैक करके देख लेते हैं, ब्लैक सही रह गया या दूसरा कोई कलर सही रहेगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये वाला गाइस सही लग रहा है मुझे, कलर ये सही लग रहा है। चलिए येलो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ इसका शैडो का कलर, ठीक है। तो अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा। और एक और काम गाइस यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये वाला जो इमेज है, ये वाला जो PNG हम बना कर लाए थे पिक्सल लैब से, इसमें आइएगा, इफेक्ट में जाइएगा, एड फिल्म में जाइएगा और यहाँ पे आपको कलर एंड लाइट में चले जाना है। देन यहाँ पे आपको हुई शिफ्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, इसके स्टार्टिंग में की लगा दीजिएगा, लास्ट में जाकर की लगाइएगा और इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, मतलब आगे तक कर दीजिए 500 तक या 1K तक कर दीजिएगा, 1X तक यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे एक और गाइज काम करना है आपको, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद यहाँ पे फाइल पे जाकर आपको टेलीग्राम पे चले जाना है। टेलीग्राम पे मैंने एक पार्टिकल वीडियो आपको प्रोवाइड किया है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, देन वहाँ से आप उस वीडियो को ले लीजिएगा। तो गाइज ये वाला वीडियो है यहाँ पे नहीं मिला, मैं देख लेता हूँ। सो गाइज ये पार्टिकल वीडियो है, इसे ले लेंगे, लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे देख लेना है तो इस तरह से मूव कर रहा है, तब चाहे तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं या फिर यहीं पे 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा और इसे फिल कंपोजिशन एरिया कर दीजिएगा, पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। देन यहाँ से ब्लेंडिंग पे क्लिक कीजिएगा, लाइटन पे क्लिक करके और इसे स्क्रीन कर दीजिएगा। अब इसे आप प्ले करके देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सॉन्ग थोड़ा सा अलग टाइप का लगा है तो मैं सॉन्ग को हटा देता हूँ, मैं कोई दूसरा सॉन्ग यूज़ करूँगा जो कि पोस्टेड करते टाइम टेलीग्राम पे मिल जाता है, सॉरी इंस्टाग्राम पे, तो वहीं से पोस्ट कर दूँगा। यहाँ से पार्टिकल के बराबर में सेलेक्ट करके पूरा एक्स्ट्रा में जो है कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो को सेव कर लेंगे, सेव करने के लिए ऊपर जो एरो दिखता है इस पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, उस वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।